बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जीवन परिचय। तो दोस्तों, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? सन 1900 में चुनार गांव मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जो कहानी संग्रह हैं उनमें हैं पंजाब की महारानी, रेशमी पोली इमारत, चित्र विचित्र, कंचन सी काया, काल कोटरी, ऐसी होली खेलो लाल, फिर कला का पुरस्कार। ये तो ये इनके कहानी संग्रह हैं। फिर आते हैं इनके उपन्यास। दोस्तों, उपन्यास में आता है इनके चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल। तो ये सब इनके मनुष्यानंद ये इनके उपन्यास है। फिर आती है इनकी आत्मकथा। तो दोस्तों, आत्मकथा में इनकी अपनी खबर, क्या है अपनी खबर। फिर आते हैं नाटक। नाटक है इनका महात्मा ईसा। और दोस्तों, काव्यखंड है ध्रुव धारणा। काव्यखंड क्या है? ध्रुव धारणा। और उग्र जी हैं वो क्या है? प्रेमचंद युगीन कहानीकार हैं। और वे आज विश्वमित्र, स्वदेश, स्वराज्य, वीणा, विक्रम के संपादक रहे हैं। लेकिन मतवाला मंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में उनकी विशेष पहचान है। मतवाला मंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में उनकी विशेष पहचान है। इनकी कहानियों में उसकी माँ, सांप, कला का पुरस्कार, जल्लाद, देशभक्त आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये जीवन परिचय था। तो कैसा लगा सभी को? मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।